दोस्तों मैं हूं संतोष निगम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। सो दोस्तों कल बैंक निफ्टी के लिए हम लोगों ने 42,600 का लेवल जो है वो डिस्कस किया था। हालांकि यहाँ से मार्केट जो है वो कंप्लीटली बेयरिश था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का और रिलायंस का जो डेटा है, रिजल्ट है, वो काफी अच्छे आए थे और हम लोग को लेट फ्राइडे में वो सारी मार्केट बंद होने के बाद में सारी एक्टिविटी जो वो हो चुकी थी और उसके कारण फिर हम लोग को एक बहुत अच्छी से रैली जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आज के दिन में देखने को मिली है। एंड अगर हम लोग यहां से बात करेंगे तो यहां से एक रिवर्सल भी बहुत बेहतरीन हम लोग को देखने को मिला है, जो कि निफ्टी में मैंने आप लोग को मार्केट ओपन होने से पहले ही प्री मार्केट का जो डेटा वॉल्यूम का जो एनालिसिस मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूं उसके बेसिस पे ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ था, जो कि पिन पॉइंट मैंने जो आप लोग को जोन दिया था एग्जैक्टली इसी जोन से एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला था। यानी कि हम लोग को यहाँ से दो ट्रेड्स बने थे, सीई और पीई दोनों में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आज के दिन में देखने को मिला है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ उसके परफॉर्मेंस के साथ में, तो कोलपैल में हम लोग को टारगेट वन जो है टारगेट टू जो है वो देखने को मिला था, यानी कि कोलपैल की पीई में हम लोग को एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो आज के दिन में देखने को मिला है। अगर बात करेंगे दूसरे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जो कि था एचडीएफसी का 2717 से लेकर के 2746 जो हम लोगों ने टारगेट 3 डिस्कस किया था, यहाँ पे आकर के फिर पूरा दिन भर इसी रेंज में जो है वो साइडवेज हो गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ से हाई चांसेस होते हैं कि उस स्टॉक में या फिर मार्केट में वहाँ से रिवर्सल जो है वो आ सकता है। और हीरो मोटा आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था टारगेट 3 2783 का डिस्कस किया था, उससे भी ज़्यादा आज हम लोग को हीरो मोटो में टारगेट देखने को मिला है यहाँ पे। और अगर एक आप लोगों ने अगर एंट्री करने का चांस नहीं मिला तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे बहुत बेहतरीन चांस हम लोग को और एक यहाँ पे मिल गया था। सो बेसिकली हीरो मोटो की सी में भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आज के दिन में हम लोग को देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करेंगे गाइज तो 364 एपिसोड्स तक 99% की हमारी जो एक्यूरेसी है जो मैं क्लेम करता हूँ अपने हर यूट्यूब की वीडियो में, अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे, वो आज भी बरकरार है। कोशिश करूंगा एटलीस्ट 365 एपिसोड जो है वो ऐसे ही बनाओ, जिसके हम लोग बहुत नजदीक भी आ चुके हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी गारंटी इस टाइप का कंटेंट जो है आप लोग को शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाकर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पर ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह एक महीना प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2,000-5,000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरी लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है, चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज़ का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और एलाइज ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे।
अदानी इंटरप्राइजेस कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी यहाँ पे, जिसने यहाँ से एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन का जो है वो फेस करके रखा हुआ है, और एंड ऑफ द डे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम भी इस स्टॉक में जो है वो ट्रेड हुआ है। अगर कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो 3445 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 3455, 3473, 3500 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3430 यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं चला जाता है, यहीं से नीचे आ जाता है, तो 3430 के नीचे अदानी इंटरप्राइजेस बियरिश है, 3419, 3400 और 3381 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3445 ये जो है हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो है टोरेंट फार्मा का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है, यहाँ डाउनसाइड से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो इस स्टॉक ने लेकर के रखा हुआ है। अगर कल यहीं से बाउंस बैक मिलता है तो 1600 के ऊपर टोरेंट फार्मा बुलिश है, 1609, 1620, 1631 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1590 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं चला जाता है, नीचे के साइड में ब्रेक डाउन मिलता है, तो 1590 के नीचे स्टॉक बियरिश है, 1582, 1570 और 1554 यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1600 हमारा जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। जो तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो है पॉलीकैब का, जिसमें पूरा दिन भर एक अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है, यानी कि वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है इस स्टॉक में। अब अगर इसके प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो अपसाइड से एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, एंड बहुत बेहतरीन यहाँ से इसने एक पैटर्न जो है कैंडलस्टिक वो भी बना करके रखा हुआ है। कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो 2805 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 2815, 2833, 2851 यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2790 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड में नहीं जाता है तो 2790 के नीचे स्टॉक बियरिश है, 2780, 2767, 2751 डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2805 यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में गाइज हम लोग चेक करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के मेरे मैजिकल लेवल्स। पहले तो इसका एक बार प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। सारे लेवल्स में आप लोग को फ्यूचर के चार्ट्स पे जो है वो दिखाते रहता हूँ, तो आप लोग फ्यूचर पे भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर को देखते हुए आप लोग ऑप्शंस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ से मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन जो है वो लास्ट टाइम दिखाया था, जिसको हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद में अब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को इस रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसका ब्रेकआउट जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोगों को मार्केट में जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ अलग अलग न्यूज आते रहते, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो मार्केट जो है वो एकदम अनसर्टन हो गया है। हम लोगों को गैप डाउन और गैप अप जो है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गए, तो बस यही रीजन है कि हम लोगों को कोई भी पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड जो है अभी फिलहाल के लिए करके नहीं चलना है। 18,170 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश रहेगा। 18,211, 18,258, 18,301 और 18,364 यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे हमारे। तो 18,130 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है। 18,092, 18,047, 17,992 और 17,927 यहाँ पे हमारे इसके डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, सो बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाया था, इस रेंज को हम लोग को मिल गया है ब्रेकआउट, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स पे हम लोग को यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी है, और अपने आप ने आज के दिन का जो डे हाई है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। सो बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बेसिकली बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। कल अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग को एक गिरावट देखने को मिलती है मार्केट में रेजिस्टेंस को लेकर के, तो 42,800 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है। 42,725, 42,620, 42,508 और 42,415 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 42,900 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 42,995, 43,112, 43,223 और 43,366 हमारे यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, हम लोगों ने उनके लॉजिक्स को समझा है, टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट्स को भी समझा है। साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स का, कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, काफ़ी एफर्ट्स के साथ में ये सारे वीडियोज़ बना करके आप लोगों तक लेके आते रहता हूँ, तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।